हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की बनती हुई जो यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई में दिखाई दे रही है। एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी और हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, और जो फिंगर्स हैं आगे से पॉइंटेड होती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिंगर्स की जो नुकीली हैं आगे से जो टिप्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी पॉइंटेड हो रही हैं, और जो लेंथ है फिंगर्स की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है यहाँ पर। और शनि और गुरु फिंगर्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, और लेंथ में अगर देखा जाए तो इनकी गुरु फिंगर की लेंथ यहाँ पर सूर्य फिंगर की लेंथ से लगभग इक्वल दिखाई दे रही है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इस वजह से व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और शनि फिंगर का स्ट्रांग होना यहाँ पर शो करता है काफ़ी अच्छी और हार्ड वर्किंग नेचर को। और सूर्य फिंगर और मर्करी फिंगर मुझे थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही हैं, और सूर्य फिंगर का यहाँ पर टिल्टेड होना कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में कमियाँ लाता है। और मर्करी की बात की जाए तो मर्करी फिंगर का शॉर्ट होना यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा वीक करता है, शाई नेचर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर को बढ़ाता है। आगे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीधी और खड़ी रेखाएं यहाँ पर फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इनके बेस फैलेंजेस के ऊपर लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, जो इनको बहुत ही अच्छी नेचर का इंसान शो करती हैं। एक फ्रेंडली टाइप की नेचर यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। आगे आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की सेटिंग हो बनती हुई सामने आ रही है यहाँ पर, जिसमें जो इनका मर्करी है मुझे वीक दिखाई दे रहा है। मर्करी फिंगर भी थोड़ी सी साइज में शॉर्ट है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियाँ लाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में और राइटिंग स्किल्स में, और साथ साथ वर्बल स्किल्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस रह सकती है। मर्करी के उपाय इनको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन प्लैनेट रहता है कम्युनिकेशन का और बिजनेस का। इनको करने से बेटर इनको रिजल्ट मिल सकते हैं। ओवरऑल बाकी के तीनों माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, कोई भी माउंट मुझे यहाँ पर मर्करी के अलावा लो सेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका बृहस्पति माउंट है वहाँ एक स्क्वायर की शेप बनती हुई, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस एरिया में एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होती हुई जिसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का स्क्वायर व्यक्ति को हर तरह की मुसीबतों से प्रोटेक्शन देता है, जैसे फैमिली लाइफ को जो है सपोर्ट देता है, और कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो बृहस्पति जी की तरफ से सपोर्ट रहती है और उस प्रॉब्लम का सलूशन व्यक्ति को ज़रूर मिल जाता है। स्पिरिचुअलिटी जो है, जो रिलीजियस माइंडेडनेस है, वो प्रोटेक्टेड रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनके बृहस्पति माउंट के ऊपर स्क्वायर बनता हो, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म के प्रति भी कट्टर होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ दीक्षा रेखा जैसा चिन्ह भी बनता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से बढ़ती हुई, यह लाइन भी व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, धार्मिक विचारों वाला और साथ ही परंपराओं को मानने वाली पर्सनैलिटी रहती है। ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैं बृहस्पति जी की तरफ से देख पा रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बृहस्पति माउंट इनका होता हुआ, और जो लाइन है बृहस्पति की वो भी लाइन के साथ साथ जो फिंगर है इनकी बृहस्पति की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और एक अच्छी लाइन बृहस्पति माउंट तक जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं वो भी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ और साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके अंदर। आगे देखते हैं इनका जो शनि माउंट है, तो आप देख सकते हैं शनि माउंट यहाँ पर उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और शनि रेखा यहाँ पर
कुछ सेंटर से पाम के बिल्कुल मध्य से चलती हुई शनि माउंट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से शनि रेखा का चलना और कुछ इस तरह से आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग शनि रेखा नहीं है जो यहाँ पर शो करती है। लगभग 37 के आसपास की एज में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को, लेकिन उसके आगे चलकर फिर से यह जो रेखा है कंटिन्यू हो रही है, जो आगे चलकर दोबारा से अच्छे फाइनेंसेस की तरफ इशारा करती है। लेकिन थोड़े से फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। राहु एरिया से इस रेखा का चलना शो करता है अचानक भाग्योदय को। यहाँ पर भाग्योदय जो इनका अचानक हो सकता है, सडनली लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। और जो शनि माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ होना, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको हार्ड वर्किंग नेचर तो देता ही है, साथ ही साथ रिलीजियसनेस को भी यह जो माउंट बढ़ाता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाइफ में रह सकती है इस तरह का शनि माउंट होने की वजह से। आगे देख सकते हैं इनका जो माउंट है सूर्य का, सूर्य माउंट के ऊपर कुछ हल्की लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लाइन की मैं कमी देख पा रहा हूँ। कुछ इस तरह से हल्की लाइंस का यहाँ पर होना शो करता है काफ़ी अच्छी सोशल सर्कल को, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, लेकिन ज़्यादा नेम एंड फेम मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में लाइंस में ब्रेक्स का होना भी कुछ इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जो सोशल सर्कल है वो भी कुछ इसी तरह का रहेगा, एक स्टेबल सोशल सर्कल नहीं रहेगा। और जो इनकी फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बीच में बहुत सारी ब्रेक्स सूर्य रेखा के आने की वजह से नेम एंड फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बात करते हैं यहाँ पर मर्करी माउंट की, तो आप देख सकते हैं मर्करी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। कुछ आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। मर्करी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं होना यहाँ पर एक पॉजिटिव चिन्ह है। बेशक यहाँ पर मर्करी माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 ऐसी रेखाएं होना और एक जो मेन लाइन है हमारी माइंड की, उसका ऊपर की तरफ रुख करना यहाँ पर शो करता है क्लेवर माइंड को। बेशक कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, लेकिन माइंड शार्प रहेगा और इसी शार्प माइंड की वजह से ये बिजनेस में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ मर्करी की तरफ से हम अगर फाइनेंशियल बात करें तो मर्करी की तरफ से अच्छे फाइनेंसिस इनको मिल सकते हैं, लेकिन इनके लिए मर्करी की रेमेडीज करना, मर्करी के उपाय करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। आगे आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी इनकी हार्ट की लाइन कुछ ब्रांचेस के साथ एक रोमांटिक टाइप की पर्सनालिटी को शो करती हुई, कुछ इस तरह की हल्की ब्रांचेस जो यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ चलती दिखाई दे रही हैं। और हार्ट की लाइन का पूरी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ना यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाता है, केयरिंग टाइप की नेचर देता है, काफ़ी केयरिंग पर्सनालिटी इनकी रहने वाली है। और ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी है और बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर जाकर इसकी टर्मिनेशन हो रही है, जो यहाँ पर एक अच्छी हार्ट की लाइन की तरफ इशारा कर रही है। और साथ ही साथ कुछ सेटबैक्स की लाइंस भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नीचे की तरफ चलने वाली जो लाइंस हैं यह इमोशनल सेटबैक्स व्यक्ति को ज़रूर देती हैं। तो लाइफ में कुछ इमोशनल सेटबैक्स रहने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल हार्ट की जो हेल्थ है यहाँ पर अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ओल्ड एज के पास चलकर यहाँ पर एक हल्का आइलैंड बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ 65 के अराउंड एज में चलकर इनको दिक्कत रह सकती है हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लियर लाइन मैं यहाँ पर हार्ट की देख पा रहा हूँ। आगे देख सकते हैं आप इनकी माइंड की लाइन को, तो माइंड की लाइन यहाँ पर बायफोर्क बनाती हुई, और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी माइंड की लाइन की ब्रांच जो है मर्करी माउंट की तरफ बढ़े तो बिजनेस में काफ़ी अच्छी स्किल्स रहती हैं। कुछ इस तरह की इनकी माइंड की लाइन और एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई, एक फोर्क बनना जो यहाँ पर इमेजिनेशंस को बढ़ाता है, काफ़ी अच्छी इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। और माइंड की लाइन का बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर ना होना,
इस चीज की तरफ भी इशारा करता है कि स्टडीज में बहुत ज्यादा आगे तक ये नहीं गए होंगे, स्टडीज जो रहेगी एवरेज लेवल की स्टडीज रहेंगी, लेकिन माइंड यहाँ पर शार्प दिखाई दे रहा है और एक ब्रांच का यहाँ पर नीचे की तरफ झुकना यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि काफी अच्छे इमेजिनेशन इनके अंदर रहेंगे और उन इमेजिनेशन को अगर ये यूज करें तो कुछ राइटिंग या कुछ ऐसी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा यह परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ी ज़िद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी रहेगी क्योंकि इनकी माइंड की लाइन और जो लाइफ लाइन है दोनों में यहाँ पर मुझे गैप भी नज़र आ रहा है। अब देख सकते हैं आगे जो इनका वीनस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और जो इन्हें लग्जरीज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मटीरियलिस्टिक भौतिक सुखों की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इतना ज़्यादा उभरा हुआ वीनस माउंट यहाँ पर इनको ज़्यादा खर्चा इनका बढ़ाएगा क्योंकि वीनस जो है वो लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं और लग्जरीज पूरा करने के लिए एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर धन का रुकना थोड़ा सा इनकी लाइफ में कम रह सकता है क्योंकि इनके खर्चे जो हैं वो काफ़ी अधिक रह सकते हैं वीनस के यहाँ पर ज़्यादा उभरे हुए होने की वजह से। फिश का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ केतु एरिया के ऊपर इस जगह पर फिश का बनना यहाँ पर इनको विदेश यात्राएं करवा सकता है, काफ़ी सारी ट्रैवलिंग्स रह सकती हैं। मून माउंट यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहा है और जो लाइफ की लाइन है उसमें से ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएं यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे प्रोग्रेस को शो करती हैं। जो हल्की रेखाएँ लाइफ की लाइन से ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं, छोटी ब्रांचेस, तो यह प्रोग्रेस को शो करती हैं। लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनके रहने वाली है और जो ओवरऑल लाइफ रहेगी यहाँ पर लगभग 75 से 80 के आसपास की लाइफ को यह एंजॉय कर पाएंगे। फॉरेन में स्टे लंबा समय तक इनको करनी पड़ सकती है लेकिन अपने कंट्री के साथ भी इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहेगा और यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री में यह काफ़ी लंबा समय स्टे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।